तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आज का वीडियो सस्पेंशन के बारे में, जो मैंने आपसे बोला भी था कि मैं अपने जो फ्रंट सस्पेंशन में जो ऑयल चेंज कराया था उसका एक रिव्यू दूंगा, प्लस जो आपका जो रियर सस्पेंशन होता है बाइक में उसको एडजस्ट करने का भी बताऊंगा कि उससे क्या कर सकते हो, उससे क्या होता है, वो सब मैं चीज़ें आपको बताऊँगा। एंड हो सकता है कि इन सब चीज़ों को चेंज करने से आपको वो चीज़, वो परफॉर्मेंस मिल जाए जो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे, तो हो सकता है आपको ज़्यादा पैसे भी खर्च ना करने पड़े, क्योंकि बहुत से लोग होते हैं जो पीछे वाला सस्पेंशन पूरा ही चेंज कर डालते हैं, ख़ास करके GT ट्विंस 650 ट्विंस में, तो इसलिए ये वीडियो उनके लिए भी है। तो वीडियो देखिए, आपको शायद समझ आए तो आप अपनी बाइक पर भी ट्राई करें, तो आपको पता लगेगा कि आपकी, आपके लिए क्या सेटिंग्स ठीक है, आपको किस सेटिंग पे कैसी परफॉर्मेंस मिल रही है, आपको समझ आएगा। तो इसलिए वीडियो को ज़रूर देखें। ये देखिए, ये आपके पास एक सी स्पैनर होगा जो आपको टूल किट में मिलता है, और ये एक होल्डर मिलेगा आपको, इसको यूज़ करके, इसको यूज़ करके आप जो आपका रियर सस्पेंशन है उसको एडजस्ट कर सकते हैं। और अभी इसमें जो आप देख रहे हैं ये बेसिकली 5-स्टेप एडजस्टेबल है, तो अभी ये 3rd स्टेप पे है, ये जो सेटिंग आप देख रहे हैं ये अभी 3rd स्टेप है। तो ये होता है 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे करके, इसको आप एडजस्ट करेंगे थोड़ा सा जोर लगा के, और ये अभी आ गया 4th स्टेप पे, इसको आप एक और बार करेंगे। और हाँ, जब भी आप इसको एडजस्ट कर रहे हैं तो ये जरूर देख लेना कि आपके, अगर आपकी बाइक में ट्विन रियर शॉक्स हैं तो ये ज़रूर देख लेना कि जो दोनों शॉक्स हैं उनकी सेटिंग जो है सेम है, तो ये ज़रूर चेक करना करते टाइम। तो ये अभी 6 स्टेप एडजस्टेबल है, सॉरी नॉट 5, 6। तो यहाँ से, और आप जितना ऊपर जाएंगे उतना सस्पेंशन स्टिप होता रहेगा, तो मैं अभी इसको जानबूझ के हाईएस्ट सेटिंग पे रखूँगा जस्ट टू चेक। ये अभी 6 पे है, ऐसे ही अभी हम दूसरा वाला भी करेंगे। तो गाइस, अभी जैसा आप देख रहे हो ये एकदम स्टिफ हो चुका है, अभी जो लास्ट स्टेज है उस पर है ये वाला, ये है लेफ्ट वाला, अभी राइट वाला करता हूँ। और ये है राइट वाला, ये भी एकदम स्टिफ हो चुका है। तो अभी क्या है कि इनको मैंने फुल स्टिफ कर दिया है, अभी जो 6th स्टेज है उस पर लगा दिया है, एंड अब इसकी टेस्टिंग करते हैं और देखते हैं कि कैसा परफॉर्म करते हैं। जो फ्रंट वाले हैं वो तो ऑब्वियसली बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, नो इश्यूज़, उसमें जो डैम्पिंग है वो बेटर हो गई है, मतलब जैसे पहले एकदम धस जाता था ना फ्रंट वाला, तो अभी वो तो नहीं होता। बाकी अभी रियर वाला और एडजस्ट करा, तो देखते हैं इसकी क्या परफॉर्मेंस होती है, क्या चेंजेस महसूस करता हूँ मैं, तो ऑन द वे मैं आपको बताता हूँ, चलूँगा। सो स्टे ट्यून्ड। तो गाइस, अभी मैं घर से निकल चुका हूँ, फ़िलहाल मैं जा रहा हूँ करोलबाग, और इसी बीच में मैं आपको बताऊँगा कि सस्पेंशन कैसा वर्क करता है, क्योंकि जहाँ तक रही फ्रंट वाले की बात, तो फ्रंट वाला तो एकदम परफेक्ट काम कर रहा है, कोई इशू नहीं है, सिर्फ एक वो वॉबल का इशू है, वो मेरे को समझ नहीं आ रहा कैसे जाएगा। उसके अलावा जो ठड आवाज़ आती थी गड्ढे में जाते ही, जो बॉटम आउट होता था, वो तो सॉर्ट आउट हो गया है, उसका कोई प्रॉब्लम ही नहीं अब तो।
तो ऑब्वियसली क्योंकि विस्कोसिटी हाई है, दूसरे जो अभी नया फोर्क कॉइल डाला था उसमें फोर्क सील नहीं डालनी पड़ी थी साथ में, तो उसका तो कोई इशू है ही नहीं। सिर्फ एक वॉबलिंग का इशू है, वो बाद में सॉर्ट आउट करेंगे। तो फ्रंट सस्पेंशन सॉर्टेड है, बट अब जो रियर सस्पेंशन है उसका रिव्यू देखते हैं, अभी एक्सपीरियंस करते हैं। अभी जैसे मैंने आपको बताया कि मैंने चेंज कराई है, तो मतलब सेटिंग चेंज करी है, नॉट सस्पेंशन चेंज करा है, सेटिंग चेंज करी है। तो उसमें अब जैसे जो GT है इसमें ट्विन रियर शॉक्स आते हैं, कई बाइक्स में मोनो शॉक्स आते हैं, तो मोनो शॉक्स को भी एडजस्ट करने का तरीका वैसा ही है, और जो ट्विन रियर शॉक्स होते हैं उनको भी एडजस्ट करने का वैसा ही है। बस ट्विन रियर शॉक में ये ध्यान रखना पड़ता है कि आप किसी भी एक में जो सेटिंग कर रहे हो, जैसे राइट वाले में अगर आप फिफ्थ पॉइंट पे एडजस्ट कर रहे हो उसको, तो लेफ्ट वाले को भी आपको फिफ्थ पॉइंट पे ही एडजस्ट करना पड़ेगा, नहीं तो उसकी जो बैलेंसिंग है वो ख़राब हो सकती है। एक तरफ से ज़्यादा रहेगा एक तरफ से कम रहेगा तो वो भी ठीक नहीं है, आपको उससे भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसलिए जिस भी डायरेक्शन जिस भी साइड पे आप चेंज करोगे उस साइड पे ध्यान रखना कि उसकी जो अपोजिट साइड है वहाँ पर भी वो सेम ही रहे। तो अभी मैंने इसको क्या करा है, अभी मैंने इसको पूरा स्टिफ कर दिया है, जो फुल स्टिफनेस हो सकती है वो मैंने कर दी है। तो अभी दोनों शॉक्स मेरे फुल स्टिफ हैं, सिक्स्थ पॉइंट पे हैं, और अच्छा हाँ एक चीज़ और, जो आप अगर रियर सस्पेंशन एडजस्ट कर रहे हो तो उसको इस हिसाब से भी एडजस्ट करना कि अगर जैसे आप टूरिंग वगैरह करते हो तो आपके टूरिंग के लिए भी सेट हो जाएगा, मतलब आपको स्वीट स्पॉट देखना पड़ेगा, खुद चला के एडजस्ट करके देखना पड़ेगा उसको, तभी आपको परफेक्ट सेटिंग मिलेगी। और जहाँ तक रही एडजस्टेबिलिटी की बात, तो नॉर्मली सभी बाइक्स में, मतलब जैसे थोड़ी परफॉर्मेंस बाइक्स, नॉट सब बाइक्स, थोड़ी सी जो परफॉर्मेंस बाइक्स होती हैं जैसे पल्सर वगैरह हो गई या डोमिनार हो गई, इन सब में एडजस्टेबल सस्पेंशन पीछे आता है, KTM में भी आता है और ऐसे ही इसमें भी दे रखा है GT में, ट्विंस में। तो उसका यूज़ करो, आपको पता लगेगा कि डिफरेंसेस क्या क्या होते हैं। ज़रूरी नहीं है कि पूरा सस्पेंशन ही चेंज करना हो तभी आपको पता लगेगा, क्या पता बिना सस्पेंशन चेंज करे भी आपको पता लग जाए कि मतलब आपको वो परफेक्ट सेटिंग मिल जाए जो आप प्रेफर करते हो, आपके ड्राइविंग स्टाइल के ऊपर डिपेंड करता है जो। तो यस, उसको ट्राई ज़रूर करो, अगर तब भी कुछ नहीं होता तब आप रियर सस्पेंशन या फ्रंट सस्पेंशन जो भी है आप उसको तब चेंज करो। ऐसे ही मुंह उठा के कर दोगे तो भाई मेरे हिसाब से तो वेस्ट ऑफ मनी है, क्योंकि आपने आपको कंपनी ने जो चीज़ दी आपने उसके साथ तो छेड़खानी करी नहीं, क्योंकि कंपनी ने वो चीज़ दे रखी है तो उसको ट्राई तो करो, पता लगेगा। पता लगेगा डिफरेंस, पता लगेगा आपको, आपको आपका जो राइडिंग स्टाइल है उसके अकॉर्डिंग उसको एडजस्ट भी करोगे तो भी आपको बहुत सारी चीज़ें समझ आ जाएंगी। देख के चल रहे हो, 6,500 के शीशे हैं वो, टकरा के चल दिया। अरे एक तो ना ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, उनकी किटी पट्टी कहीं भी शुरू हो जाती है। ये देखो पुल पे खड़ी कर रखी है, बताओ अभी। ओहो ओहो ओहो
ये तो एकदम ही स्टिफ हो गए थे, ये तो एकदम ही स्टिफ हो गए। Which is good. Actually, कुछ ज़्यादा ही stiff हो गए, to be honest. मैं इसका अभी ना एक step कम करके देखूँगा. पहले अभी 6 पे है दोनों, तो इनको अभी 5 पे करके देखूंगा। क्या पता उसमें इतना स्टिफ ना हो और मेरा काम भी चल जाए, क्योंकि ये कुछ ज़्यादा ही स्टिफ है। तो अभी के लिए इस रिव्यू को यहीं पर रखते हैं, ठीक है, क्योंकि अभी इसमें नए नए एक्सपीरियंस करने पड़ेंगे, एक्सपेरिमेंट करने पड़ेंगे। और अभी चलते क्रॉल वॉक, सीधा ये चेंज करवाते हैं, तो मैं आपको मिलता हूँ क्रॉल वॉक में। तो गाइस, ये हम पहुंच गए करोल बाग। और जो पहला काम है क्या, वो एक ही काम है, वो है लैमिनेशन करवाना। तो बस वही करवाते हैं आपको, सीधा शॉप पर ही मिलते हैं फिर। तो हाय बुसाई भी है, सुपर मीटियोर भी आई है। तो गाइस, काम तो अभी हुआ नहीं क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा थी भैया के पास। तो अब हम ये काम कराएंगे ट्यूसडे को, तो ट्यूसडे को सीपी आना ही होता है, तो तभी ये काम कराएंगे हम। तो अभी फिर चलते हैं वापस घर। बाकी इस वीडियो में ज़्यादा कुछ तो है नहीं, जो मैं बता सकता था मैंने आपको बता दिया सस्पेंशन के बारे में। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड कमेंट सेक्शन में बताओ कि और कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। तो यस, दिस इज़ मयंक साइनिंग ऑफ। I'll meet you in the next one.